हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेरो के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बैश लीग 2023 के 38 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है मेलबर्न स्टार्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 12 जनवरी को। इंडिया टाइम के अनुसार 1:45 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। पहली टीम मेलबर्न स्टार की बात करें तो जहां 5 मैच 4 मैच लॉस है, 1 मैच विन करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर एडिलेड स्ट्राइकर की बात करें तो 5 मैच 3 मैच लॉस है, 2 मैच विन करके आ रही है। तो गाइस, यहां पर टीम फॉर्म में एडिलेड स्ट्राइकर आगे चल रही है। वहीं अगर हेड टू हेड देखते हैं लास्ट 10 मैचेज में, तो पहली टीम मेलबर्न स्टार की बात करें तो जहां 4 मैच जीत के आ रही, तो वहीं एडिलेड स्ट्राइकर 6 मैच जीत के आ रही है। तो गाइस, यहां पर भी हेड टू हेड में भी आगे चल रही है एडिलेड स्ट्राइकर। तो बढ़ते फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। तो ओवरऑल चेक करते हैं तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज देखें तो मेलबर्न स्टार का जहां पे 30% है, तो वहीं एडिलेड स्ट्राइकर का 50% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो मेलबर्न स्टार का 162 है, तो वहीं एडिलेड स्ट्राइकर का 172 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो मेलबर्न स्टार का 273 है, तो वहीं एडिलेड स्ट्राइकर का 230 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो मेलबर्न स्टार का 108 है, तो वहीं एडिलेड स्ट्राइकर का 133 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अब आगे बढ़ते फैन चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच वेदर कैसी रहेगी? तो सन्नी रहेगी, 28 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 53% रहेगी, वहीं 1% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। आगे बढ़ते फैन चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है? वहीं अगर इस पिच पे फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर देखें तो 159 बन सकती है, वहीं सेकेंड इनिंग में 143 बनने की संभावना है। अगर इस पिच पे देखें तो टोटल 64 मैच खेलेगी, जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच पे सरफेस की बात करें तो इस पिच पे बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, वहीं बॉलिंग करने वाली टीम को इस पिच पे कम सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि इस पिच पे जितने भी मैच हुए हैं अधिकतर मैच डिफेंड हुई है। तो गाइस, यहाँ पर टीम को टॉस जीतकर बैटिंग करनी ज़्यादा यहाँ पर प्लस पॉइंट हो सकती है, क्योंकि इस पिच पे डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर बॉलिंग करने वाली टीम की बात करें तो इस पिच पे रन चेस करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो गाइस, इस पिच पे मैच काफ़ी जबरदस्त होते हैं, तो आप लोग जोर देखिएगा पिच की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते फैन चलते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम मेलबर्न स्टार की बात करें तो नो डाउट अच्छी टीम है, बट यहाँ पर मेलबर्न स्टार काफ़ी खराब प्रदर्शन किया जा रहा है मेलबर्न स्टार के द्वारा, क्योंकि इनके बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें, दोनों का लो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वहीं पिछली मैच की रिकॉर्ड देखें तो अभी तक टोटल 9 मैच खेल के आई है, जिसमें से सिर्फ 2 ही मैच विन करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर एडिलेड स्ट्राइकर की बात करें तो नो डाउट काफ़ी जबरदस्त टीम है। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। अगर पिछली मैच की बात करें तो पिछला मैच काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ जीत के आ रही है। तो दोनों टीम अच्छी है, बट यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। तो गाइस, यहाँ पर मेलबर्न स्टार को पूरी स्ट्रांग होनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रांग टीम एडिलेड स्ट्राइकर खेलेगी। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी अच्छा होगा, जबरदस्त होगा, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं एक्सपेक्टेड के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड चलते हैं दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम एडिलेड स्ट्राइकर के की प्लेयर की बात करें तो एडम हो, क्रिस लिन, वेस अगर, एलेक्स करी। वहीं अगर दूसरी टीम स्टार के की प्लेयर की बात करें तो मार्कस स्टोनिस, निक लर्किन, जॉय क्लर्क, लूक कूट, ये हैं दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए एडिलेड स्ट्राइकर हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम में मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।